नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान जिले के दरौली प्रखंड परिसर में अंबेडकर साहब की मूर्ति लगाने को लेकर के विवाद होते होते बच गया। जी, आपको बता दें कि दरौली के प्रखंड के पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। सिवान जिले के बड़े बड़े आला अधिकारी जो हैं वो दरौली में पहुँच गए थे और आप देख सकते हैं कि कैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति तो नहीं लग पाई, लेकिन प्रतिवाद मार्च निकाला गया भाकपा माले के द्वारा। और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पटना से चलकर के आए विधायक दल के नेता महबूब आलम, दरौली के विधायक सत्यदेव राम और जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा के नेतृत्व में यह प्रतिवाद मार्च किशुन पाली से निकाली गई, जो कि दरौली चौराहा पर पहुँची। और आपको बता दें कि प्रशासन के द्वारा इनके इस प्रतिवाद मार्च को रोकने के लिए वहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस की मुस्तैदी कर दी गई थी। रात भर आला अधिकारी वहाँ पर बैठे रहे, डीडीसी भी पहुँचे हुए थे, सिवान के एसडीओ भी पहुँचे थे, महाराजगंज के भी कई आला अधिकारी वहाँ पर पहुँचे हुए थे, कई थानों की पुलिस भी पहुँची हुई थी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिवान जिले के दरौली से। सदर एसडीपीओ फिरोज आलम भी पहुँचे हुए थे और आज जो जिस तरीके से जो भीड़ जुटी हुई थी उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि बाबा साहब की प्रतिमा को भाकपा माले के लोग प्रखंड परिसर में लगवा सकते हैं, लेकिन इस तरह का कुछ हुआ नहीं। क्योंकि आपको बता दें कि अमरजीत कुशवाहा या फिर जो पटना से चलकर नेता आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे बड़े नेताओं से वहां बातचीत हुई और उन्होंने कहा है कि मूर्ति आज नहीं लगाइए, लोग एनओसी हम लोग दिलवा दे रहे हैं, तो आप लोग मूर्ति वहाँ पर प्रतिमा को आप लोग लगाइएगा। प्रतिवाद मार्च निकालने के लिए वो लोग उन लोगों ने बोला भी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर प्रशासन के द्वारा 144 धारा को लागू कर दिया गया है। और देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति उत्पन्न करने के लिए प्रशासन लगी हुई है। ये कहना था जो विधायक हैं सत्यदेव राम या फिर जो विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम, इन लोगों का यह सीधे तौर पर प्रशासन पर आरोप था। हालांकि यह विवाद 4-5 महीनों से चल रहा है। सत्यदेव राम का कहना है कि वहां पर चबूतरा बनाया गया था बाबा साहब की मूर्ति को लगाने के लिए प्रखंड परिसर दरौली में, लेकिन वीडियो के द्वारा चबूतरा को तोड़ दिया गया और हर हाल में चबूतरे को बनवा करके वहां पर प्रतिमा को लगाया जाएगा। आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की जो प्रतिमा है उसको भी मंगा ली गई है और वो किशुन पाली में रखी गई है और वहाँ से प्रतिमा को अब लगाने की तैयारी होगी। क्योंकि जिस तरीके से आक्रामक रूप देखा गया जो सत्यदेव राम विधायक हैं उनका या फिर जो पटना से नेता आए हुए हैं, उन लोगों ने कहा कि हर हाल में इसके बाद एनओसी से लगे या फिर किसी तरीके से लगे वो प्रतिमा लगेगी। ये देख सकते हैं आप हाथों में हॉकी और डंडा लेकर के प्रतिवाद मार्च, जिस तरीके से स्थिति बनी हुई थी ऐसा लग रहा था कि प्रशासन और भाकपा माले के जो नेता हैं इन लोगों में नोकझोंक हो जाए, लेकिन एसडीओ ने काफ़ी सूझबूझ के साथ काम किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे प्रशासन के लोग मुस्तैदी के साथ डटे हुए थे। एसडीओ सुनील कुमार, एसडीपीओ फिरोज आलम और तमाम लोग पूरी तरीके से तैयार थे और ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इस पूरे अगर हम अगर कहानी को हम देखेंगे वहाँ पर उस वहाँ की जो स्थिति जो बनी हुई थी उस वीडियो को देखने के बाद से चिलमरवा कांड की एक बार याद ताज़ा होने लगी और यह होने लगा कि ऐसा ना हो कि यहाँ भी किसी तरह की घटना घट जाए। लेकिन प्रशासन ने काफ़ी सूझबूझ के साथ भाकपा माले के नेताओं को समझाया और भाकपा माले के नेताओं ने भी काफ़ी इसे अच्छे तरीके से समझा बुझा और उनकी बातों को मानते हुए ये लोग पहुँचे वहाँ पर दरौली के चौराहा पर और वहाँ पर एक सभा आयोजित की गई। उसके बाद से कार्यक्रम को समापन किया गया। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे समझाया जा रहा है और सुनील कुमार एसडीओ समझा रहे हैं। एटीएन लाइव के लिए मंटू ओझा के साथ चंदन कुमार सिवान। दोनों पदाधिकारी सुन लीजिए, हम सीधा जाएंगे, उधर भी लोग हैं जो आपने बात दिया है, हम वहाँ इकट्ठा करके रोडे पकड़ लेंगे, कोई मामला नहीं। हम बोले ना कि विश्वास करिए ना, सत्यदेव राम जब बोल रहा है तो विश्वास करना चाहिए। रत्ती भर ताल नहीं हिलेगा, ये
पे शांतिपूर्ण है, अपने पूरे फोर्स को आप ब्लॉक ग्राउंड में ले जाकर के उसकी सुरक्षा कीजिए। हमारा एक भी आदमी ब्लॉक के तरफ नहीं जाएगा, हम सीधे रोड पकड़ के शांतिपूर्ण जाएंगे और उधर से आने वाले जत्था से मिल करके वहाँ सभा करेंगे। वो गए हैं अपना विचार करके रिपोर्ट बताएंगे।